हिंदू संस्कृति की पुरानी परंपरा को कायम रखे हुए हैं 12 गांव की परिक्रमा लगाने वाले मौनी बाबा राजेश राजपूत। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी में दीपावली के एक दिन बाद पड़ने वाले मौन परमा के दिन मौन धारण करके मौनी बाबा की टोली, जिसमें करीब 20 सदस्य होते हैं, दीवारी गीत गाते नाचते 12 गांव में पड़ने वाले सभी देवी देवताओं के मंदिर पर जाकर मस्तक नवाकर परिक्रमा पूरी करते हैं। बावई कला के लोग इस परंपरा को क्षेत्र में आज भी कायम रखे हुए हैं, नहीं तो पुरानी परंपरा आप देखने को भी नहीं मिलती। इस यात्रा का प्रारंभ बावई कला के मौनी टोली मौन धारण कर सुबह गौ माता के नीचे से निकलकर पूरे 12 गांव लगभग 51 किलोमीटर पैदल चलकर वापस उसी ग्राम में पहुंचते हैं जहां से यात्रा शुरू होती है। तत्पश्चात गौ माता के नीचे से निकल मौनी बाबा अपना व्रत तोड़ते हैं। यात्रा कर रहे मौनी बाबा राजेश राजपूत ने बताया कि वह 12 साल मौन धारण करके मौनी बाबा के रूप में चलकर गोवर्धन तीर्थ का अनुभव करते हैं और करीब 51 किलोमीटर 12 गांव का भ्रमण करते हुए हिंदू संस्कृति को जीवित बनाए रखे हुए हैं। उनकी परिक्रमा के 8 साल पूरे हो चुके हैं और 4 साल शेष रह गए। 4 साल पूरे होने के बाद वह सभी गोवर्धन की परिक्रमा करके इस व्रत का समापन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा पठारी से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। दादा, आप यह कार्यक्रम रखते हैं ये किस लिए और किस कारण रखते हैं? जी, अभी 12 साल पुराने 12 साल मौनी बाबा बनते हैं, 12 गांव को मेड़ो झारते हैं, शाम को अपना पानी फूल घर घर दिवाली हूँ। नहीं, कहाँ से आप चलते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं? यहाँ से हम जाते हैं इसी दिन से। नहीं, आप कौन कौन गांव में जाते हैं और कौन कौन से मेड़े दापते हैं? टपरा, टपरा। हमारी ग्राम पंचायत रामगढ़ से ये हिंदू संस्कृति को जन जागृत करने के लिए दीपावली के एक दिन पश्चात गोवर्धन पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है, उस दिन यह लोग बाबई कला से मौनी बाबा बनकर मौन धारण करके प्रस्थान करते हैं। तो रामगढ़ टपरा पठारी होते हुए 12 गांव का भ्रमण करते हैं, तत्पश्चात शाम को अपने ग्राम पहुंचकर मंदिर पर पूजा अर्चना कर पान खोलते हैं। इनका मकसद क्या होता है जो चारों धाम यात्रा करते हैं 12 गांव की, उसमें मेड़े दापते हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद तो जो श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी का परिक्रमा दिया था, उस पर्पस में ये लोग मौन धारण करके और परिक्रमा करते हैं और श्री कृष्ण के कुआराध्य मानते हुए गोवर्धन की परिक्रमा कुआ रूप यहाँ लेते हैं और इसके पश्चात ये एक व्यक्ति के 12 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो ये गोवर्धन का परिक्रमा करके वहाँ अपना जो प्रण होता है वो पूर्ण करते हैं। ठीक।